को धक्का मार दिया गया है, जिनकी स्पॉट डेथ यहाँ पर हो गई है। अब एक्सीडेंट है, एक्सीडेंट का तो किसी भी समय। राजधानी पटना में एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर देखा गया। अगर मान लीजिए कि आम तौर पर निजी वाहन से अगर किसी की एक्सीडेंट होती है तो पुलिस कार्रवाई में लग जाती है, लेकिन हालात देखिए कि राजधानी पटना में जो सरकारी बसें चलती है उसकी रफ्तार अगर आम आदमी भी त्रस्त है इससे, और ठीक वही हुआ कि किस तरीके से सरकारी बस से एक युवती को कुचला जाता है और ऑन द स्पॉट उसकी मौत हो जाती है। गांधी मैदान अंतर्गत थाना यह मामला है एग्जीबिशन रोड का, जहां तेज रफ्तार सरकारी बस का मायने है कि पैसेंजर कहीं भी खड़े हों तो वो बीच रोड पर ही सरकारी बस खड़े कर देते हैं और उसकी रफ्तार भी तेज होती है। और वही आलम रहा कि राजधानी पटना में सुबह 5 बजे रफ्तार की कहर देखने को मिला। सरकारी बस से एक लड़की की जान चली गई। लड़की का वह आम लोगों का कहना, वहाँ पे जो भी मौजूद लोग थे उन लोगों का सभी का कहना है कि लड़की हर दिन इधर से ही साइकिल से जाती थी अपने काम करने को लेकर, और आज ये हुआ कि सुबह 5 बजे ठीक हर दिन की तरह युवती जा रही थी काम करने, उसी दरमियान तेज़ रफ्तार सरकारी बस गाड़ी आ रही थी और लड़की को ठोकते हुए वह गाड़ी निकल गई, जिससे लड़की की ऑन द स्पॉट मौत हो गई। वहीं स्थानीय लोग आक्रोशित हो गए, आगजनी करने लगे और सबको रखकर रोड जाम करने लगे। देखिए तस्वीर में 5:15 बजे के आसपास में एक महिला जो है इधर से क्रॉस कर रही थी एग्जीबिशन रोड चौराहे से होके, इसी अज्ञात बस के द्वारा उनको धक्का मार दिया गया है, जिनकी स्पॉट डेथ यहां पर हो गई है। आवश्यक कार्रवाई होती है, डेड बॉडी को PMCH भेजा जा रहा है, वहां पर पोस्टमार्टम होगा और पोस्टमार्टम के उपरांत जो है FIR दर्ज करके हम लोग फुटेज वगैरह देख के बस को चिन्हित कर आगे की कार्रवाई करेंगे। ये बच्ची जो अनाथ आश्रम में रहती थी, और फिलहाल जानकारी जो मिली है ये बिजली विभाग में कोई एडहक बेसिस पर जो काम करती थी, बस इतनी जानकारी। क्या लग रहा है, सुबह सुबह कोई फोर्स नहीं रहता है क्या यहाँ पे? फोर्स तो रहती ही है। अब एक्सीडेंट है, एक्सीडेंट का तो किसी भी समय अगर कहीं से भी वाहन की लापरवाही अगर है तो उसको हम लोग चिन्हित करके कार्रवाई करेंगे। अगर राजेंद्र नगर रोड नंबर 2 किशोर दल सिसुबा बन बाल निकेतन, अनाथ लड़की है, कोई नहीं है इसका, कोई नहीं लड़की है अनाथ, हम लोग इसके भाई हैं। भाई आश्रम नाम क्या है इसका? निशा कुमारी। हाँ, 4:40 बजे 5:30 बजे 5:45 बजे।